नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल, रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। ये कहता है हम रेजिस्टर्स को किसमें ले सकते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। पैरेलल, पैरेलल का मतलब क्या होता है बेटा, साथ साथ। सिंपली पैरेलल का मतलब क्या होता है, साथ साथ। यानी कि जब दोनों दो किन्हीं भी दो का इनिशियल पॉइंट भी क्या हो, सेम, फाइनल पॉइंट भी क्या हो, सेम, तो किस में हो जाते हैं हमारे, पैरेलल में हो जाते हैं। तो यहाँ पे बात हम किसकी कर रहे हैं, रजिस्टर की। तो ये कह रहा है अगर दो रजिस्टर्स का कनेक्शन में इनिशियल पॉइंट भी क्या हो, सेम, और फाइनल पॉइंट भी क्या हो, सेम, तो किस में आ जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। वो रजिस्टर्स किस में आ जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। जैसे इन दोनों का इनिशियल पॉइंट भी क्या है, ए, इन दोनों का फाइनल पॉइंट भी क्या है, ये आर वन, और ये क्या है, आर टू। फाइनल पॉइंट भी क्या है इनका, बी। तो इनिशियल भी सेम, फाइनल भी सेम, वो किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। या क्या कहें हम, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए मोर देन वन पाथ हो साथ साथ, कि हम सिर्फ एक रास्ते से नहीं, एक से ज़्यादा रास्तों से हम ए से कहाँ तक जा सकते हैं, बी तक जा सकते हैं, तो तब क्या बोलते हैं, वो रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में। क्लियर बेटा, पैरेलल में जो कब कहेंगे हम, व्हेन वन एंड ऑफ पोलराइजर इज कनेक्टेड टू वन पॉइंट एंड अदर एंड ऑफ पोलराइजर इज कनेक्टेड टू अदर पॉइंट, देन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्या कहा हमने, रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल व्हेन, क्या कहा था मैंने अभी, क्या बताया था, जब सबका इनिशियल पॉइंट सेम हो, जब का सबका फाइनल पॉइंट सेम हो, तो किस में होते हैं, पैरेलल में। यानी कि क्या कहें हम, जब सब रजिस्टर्स का एक एंड तो एक पॉइंट पे कनेक्ट हो और अदर एंड किसी दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट हो, तो किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। क्या कहें हम, व्हेन करें, व्हेन वन एंड ऑफ ऑल रजिस्टर्स इज कनेक्टेड टू वन पॉइंट, इज कनेक्टेड टू वन पॉइंट, कनेक्टेड टू वन पॉइंट एंड अदर एंड, दूसरा एंड भी एक ही पॉइंट पे कनेक्ट हो, अदर एंड ऑफ पोलराइजर्स ऑल्सो कनेक्टेड टू अनदर पॉइंट एंड अदर एंड ऑफ ऑल रजिस्टर्स इज कनेक्टेड टू अदर पॉइंट, देन रजिस्टर्स आर सेट टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। रजिस्टर्स किसमें कहलाएंगे बेटा, वो हमारे पैरेलल में कहलाएंगे। देखो एक बार पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं हम। लेट हमने रजिस्टर्स कनेक्ट किए, कंसिडर किए, भाई एक तो पाथ ये है, एक पाथ हमारा ये है और एक पाथ हमारा ये है। इनिशियल पॉइंट सबका क्या है, हमारा सेम है। एक रजिस्टर ये हो गया हमारा, एक रजिस्टर हमारा ये हो गया और एक अनदर रजिस्टर हमारा ये हो गया। ये सभी क्या है, हमारे किसी कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट हैं। ये क्या है हमारा ए और ये क्या है हमारा बी, ठीक है। तो ये सारे किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। ये सारे रजिस्टर किस में आ गए, पैरेलल में। कितना करंट फ्लो किया, आई, इस पॉइंट तक कितना करंट पहुंचा, आई। ये ए पॉइंट पर एक करंट है तो इसके सामने तीन पाथ हैं, तीनों में करंट क्या होगा, डिवाइड। फर्स्ट वाले में कितना करंट आया, आई वन, सेकेंड वाले में कितना करंट आया, आई टू, और थर्ड वाले में कितना करंट आया, आई थ्री। यहाँ से वापस कितना आ गया, आई वन, फर्स्ट रजिस्टर्स आर वन के थ्रू, सेकेंड रजिस्टर आर टू के थ्रू कितना करंट आ गया, आई टू, और थर्ड रजिस्टेंस आई थ्री के कितना थ्रू, आर थ्री के थ्रू कितना करंट आ गया, आई थ्री। वापस बी पे फिर से कितने करंट मिले, आई वन, आई टू और आई थ्री। आई वन, आई टू और आई थ्री मिलकर वापस कितना करंट हो गया हमारा, आई। तो इस तरह से ये सारे तीनों रजिस्टर किस में आ गए बेटा, हमारे पैरेलल में आ गए। तीनों रजिस्टर्स किस में आ गए, हमारे पैरेलल में। जब ऐसा अरेंजमेंट होता है रजिस्टर्स का तो उसको क्या कहते हैं हम, रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्लियर हुआ। ये कहता है हमने देखा कि आई करंट, टोटल करंट आई किसके इक्वल है, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। फर्स्ट रजिस्टर आई आर वन हो, चाहे रेजिस्टेंस आर टू हो, चाहे रेजिस्टेंस आर थ्री हो, इनिशियल पॉइंट सबका सेम ए, फाइनल पॉइंट सबका सेम बी। तो जब भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम रहता है, हमने कनेक्टेशन को क्या बोल दिया, पैरेलल। तो बेटा एक तरह से हमें पता है पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम। पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है आपका, सेम। जो पोटेंशियल डिफरेंस वी है तो वही किसका है, यहाँ पे आर वन का,
वही किसका, R2 का। सिमिलरली ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, V। तो V देखो किससे कनेक्ट है, AB हमारा, AB से। तो A से B पे जाने का फर्स्ट पाथ R1, सेकेंड R2, थर्ड R3 के थ्रू। तो तीनों किस में हो गए हमारे, पैरेलल में, और पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। सो V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V3। V1, V2, V3 तीनों क्या हमारे, सेम, और वो कितने हैं हमारे पास, V। क्लियर बेटा, हमें क्या निकालना, I1, I2, I3। I1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, I1 की वैल्यू, V इज इक्वल्स टू IR, I इज इक्वल्स टू VYR। सो I1 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन R1। V1 कितना है, V अपॉन में क्या हो गया हमारे पास, R1। V2 कितना होगा, V अपॉन R2। एंड V3 कितना होगा, V अपॉन R3। I2 और I3 निकाल दिया हमने, I1, I2 और I3। सबसे पहले हमने निकाला I1, I इज इक्वल्स टू V बाई R1, I2 इज इक्वल्स टू V बाई R2, I2 इज इक्वल्स टू V बाई R2, और थर्ड हमारे पास क्या है, I3 इज इक्वल्स टू, तो पोटेंशियल वो पैरेलल में सेम, V अपॉन R3। तीनों की वैल्यू हम पुट करवा दें, I1, I2 और I3। V टोटल करंट, V किसके इक्वल था, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट। भी टोटल करंट I कितना होगा, V इक्वल्स टू IR, I इक्वल्स टू V/R। टोटल करंट I क्या होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट। रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में, कितना हो गया RP। I1 के जगह पे पोटेंशियल पैरेलल में क्या है, सेम V, और रेजिस्टेंस कितना होगा, फर्स्ट का R1, सेकंड का पोटेंशियल V, रेजिस्टेंस कितना होगा R2, थर्ड का पोटेंशियल V, रेजिस्टेंस कितना होगा R3। तीनों में से V बाहर कॉमन, V से V कैंसिल, V अपॉन RP इज इक्वल्स टू V, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V हमारा कैंसिल, 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो जब भी हमारे रेजिस्टेंस किस में होंगे, पैरेलल में होंगे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 अपॉन RP किससे इक्वल होगा, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल रेजिस्टर्स, सभी रेजिस्टर्स के सम के क्या होगा हमारा, रेसिप्रोकल ऑफ सम के क्या होगा हमारा, इक्वल होगा। क्या कहें हम, आरपी क्या आया हमारे पास, आरपी 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। तो क्या कह सकते हैं हम, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 1 अपॉन RP को क्या बोलूँ मैं, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या लिखा मैंने यहाँ तक, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ऑफ ए नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल इज इक्वल टू द किसके इक्वल है वो, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, सबके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के क्या होगा हमारा, इक्वल हो जाएगा। तो हम पैरेलल के इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाएं, तो क्या है हमारे पास, लेट्स सपोज करो हमारे पास n रेजिस्टर्स हैं, इफ देयर आर n रेजिस्टर्स अगर n रेजिस्टर्स है तो हमारे पास 1 अपॉन RP कितना होगा बेटा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3
एंड सो ऑन वन अपॉन आर एन. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उन सब के जितने एन है तो एन के रेसिप्रोकल्स के सम के इक्वल इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल आ जाएगा. क्लियर बेटा. सेकंड पॉइंट, इफ ऑल रजिस्टर्स हैव इक्वल रेजिस्टेंस, हैव इक्वल रेजिस्टेंस, सभी रेजिस्टेंस के रजिस्टर्स की रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, देन वन अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू वन बाई आर प्लस वन बाई आर प्लस वन बाई आर अप टू वन बाई आर. कितने टाइम्स, एन टाइम्स. तो वन अपॉन आर पी कितना हो जाए बेटा, एन टाइम्स हो गए, एन बाई आर. अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूँ तो क्या आया हमारे पास, आर पी इज इक्वल्स टू आर बाई एन. क्या है आर पी हमारा, आर बाई एन. आर क्या है हमारा, रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ गिवन रजिस्टर. और एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ इक्वल रजिस्टर्स, नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैविंग इक्वल रजिस्टेंस. वो रजिस्टर्स है जिनकी रजिस्टेंस क्या है, इक्वल है. तो आर पी कितना आया हमारे पास, आर बाई एन. फॉर एग्जाम्पल एट, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया इसका, कहता है ये कुछ रजिस्टर दे दिए, सपोज करो एक का रेजिस्टेंस कितना है आर, ईच हैज इक्वल रेजिस्टेंस आर. तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाए बेटा, आर बाई एन. क्या होता है आर इक्विवेलेंट हमारा, आर बाई एन. रेजिस्टेंस कितनी है इन सब की, आर. रेजिस्टेंस सबकी कितनी है, आर. और नंबर कितने हैं, वन वन टू थ्री फोर फाइव. कितने रजिस्टर हैं, फाइव. तो एक का कितना हो जाएगा, आर बाई फाइव. एक का कितना हो गया, आर बाई फाइव. इस तरह से हमें क्या निकालनी, इनकी रेजिस्टेंस निकालनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है. और देखते हैं पैरेलल में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये कहता है इन ड्यूरिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इज सेम. सभी में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा हमारा, सेम होगा. v1 = v2 = v3 एंड सबका सेम होगा. और वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, v के इक्वल होगा. किसके इक्वल होगा, v के इक्वल होगा. नेक्स्ट, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या मतलब पैरेलल का, दैट इज देयर आर मेनी पाथ्स. बहुत सारे पाथ होंगे करंट को फ्लो करने के लिए. तो कह रहा है टोटल करंट आई इंडिविजुअल्स पाथ्स के करंट के क्या होगा, सम के इक्वल होगा. इंडिविजुअल पाथ्स के करंट के सम के क्या होगा, इक्वल होगा. नेक्स्ट पॉइंट, ये कहता है वन अपॉन आर पी इजिकल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री एंड सो ऑन. कहता है इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल ऑफ आर इक्विवेलेंट, सम ऑफ इंडिविजुअल्स रेसिप्रोकल्स ऑफ आर के सम के क्या है, इक्वल है. तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज स्मॉल देन द हमेशा क्या होगा, वो छोटा होगा देन द स्मॉलेस्ट रजिस्टर इन सर्किट. ये कहता है उन सर्किट्स में जो सबसे छोटा रजिस्टर है ना बेटा हमारा,
आर इक्विवेलेंट हमारा उससे भी क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि ये तो उनके रेसिप्रोकल किस्म के क्या है, इक्वल है। इसका जो आर इक्विवेलेंट है उसका रेसिप्रोकल इंडिविजुअल्स के रेसिप्रोकल के सम के क्या है, इक्वल है। तो हमेशा आर इक्विवेलेंट हमारा सबसे छोटे रजिस्टर के रेजिस्टेंस से भी क्या होगा, छोटा होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम एरिया वाला डिस्कस करें। ये कहता है अगर हमने बात किस में की थी, सीरीज में, तो सभी में क्या सेम था, हमारे पास करंट सेम था और लेंथ के अलोंग क्या हो गई, तो उनकी लेंथ बढ़ गई थी। हमने कनेक्ट किस में किए हैं, पैरेलल में, हमने किस में कनेक्ट किए हैं, पैरेलल में। कहता है ड्यूरिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जैसे हमने बात करें तो इसमें देखो हमारा इक्विवेलेंट एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज। इक्विवेलेंट एरिया क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज। तो कहता है ड्यूरिंग पैरेलल, ड्यूरिंग पैरेलल या इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन द टोटल इक्विवेलेंट एरिया, इक्विवेलेंट अगर मैं एरिया की बात करूँ तो क्वेश्चन लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज। कनेक्टिंग नंबर ऑफ फेसेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्विवेलेंट टू इंक्रीजिंग द एरिया, द इक्विवेल द क्रॉस सेक्शनल एरिया, द क्रॉस सेक्शनल एरिया, द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इंक्रीज। एरिया क्या हो जाएगा बेटा हमारा, बढ़ जाएगा। और आर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो इफ एरिया इंक्रीज देन आर इक्विवेलेंट इज गोज टू बी, क्या हो जाएगा हमारा आर इक्विवेलेंट गोज टू बी डिक्रीज। तो हमारा आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है पैरेलल में, और इंक्रीज में सीरीज में क्या हो जाता है, हमारा आर इक्विवेलेंट इंक्रीज हो जाता है।